दिलदार नहीं आया, आंखों का काजल चला गया, मेरा नाम कहीं लिख के वो पागल चला गया। लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती। अब तो मौसम बदले, अब तो मौसम बदले, बहुत बात बदली है। उम्मीद में बैठे हुए कितना बरस गया। विनय बिहारी अध्यक्ष महोदय, पूछिए पूरक। मेरा जो उत्तर आया अध्यक्ष महोदय वो गलत आया है। पूरक पूछिए। नहीं पूरक, मैं मेरी बातों में ही मेरा पूरक है। दिलदार नहीं आया, आंखों का काजल चला गया, मेरा नाम कहीं लिख के वो पागल चला गया। हम रह गए सूखे सावन की आस में, हम रह गए सूखे सावन की आस में, मुझको बिना भिगोए बादल चला गया। अध्यक्ष महोदय, लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती, लेकिन दिल अध्यक्ष महोदय बोलिए ना, पहले बोल बैठिए तब ना कोई बात होगी, पहले बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, जो आवेदक है उसका अरमान झुलस गया, जिसे पट्टा मिला वो पोजीशन को तरस गया। अब तो मौसम बदले, अब तो मौसम बदले, बहुत बात बदली है। उम्मीद में बैठे हुए कितना बरस गया। महोदय, मेरा सवाल था कि अंचल में कितने भूमिहीन फॉर्म जमा हुए हैं, उनमें कितनी की जांच हुई है, जबकि उत्तर मिला है कि 77 लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे हजारों लोग हैं जिनको जमीन के अभाव में, जिनको जमीन के पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक सवाल यही है कि कितने लोगों का योगापट्टी अंचल में आवेदन जमा हुआ है और उसमें कितने लोगों को भूमि प्रदान कराई गई, ये मेरा सवाल। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर सुन लीजिए ना, उसके बाद बोलते हैं। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था, योगापट्टी अंचल अंतर्गत, तो उसमें जवाब दिया गया है कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा योगापट्टी अंचल अंतर्गत अभियान बसेरा 2 के तहत राजस्व कर्मचारी के द्वारा कुल 77 भूमिहीन परिवारों का वर्तमान में सर्वेक्षण कर प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें 13 परिवारों का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया के यहाँ सक्षम स्वीकृति हेतु भेजा गया है, जो प्रक्रियाधीन है। शेष 64 परिवार हेतु भूमि चिन्हित कर लिया गया है एवं अभिलेख तैयार कर 30 दिनों के अंदर सक्षम स्वीकृति हेतु भेज दी जाएगी। ये जो बता रहे हैं कि हजारों लोग की बात कर रहे हैं, तो महोदय इसको हम लोग एक बार फिर से दिखवा लेते हैं, हम जांच करवा लेते हैं। ऐसे अंचलाधिकारी को अभिलेख संख्या 10/2023-24 का अभिलेख तैयार कर स्वीकृति हेतु उसको निर्देशित भी किया गया है। मेरा सीधा सवाल था पहला कि 5 डिसमिल जमीन, दूसरा सवाल था कितने लोगों ने आवेदन दिया। महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है, निर्देश है, पूछे ना माननीय मंत्री। महोदय सबको सुन तो लीजिए ना, माननीय मंत्री जी ने कहा, जो आंकड़े उनके पास है बताया उन्होंने, उन्होंने यह भी कहा कि माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है मैं फिर से उसकी जांच करा लेता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल अधूरा रह रहा है। मेरा कहना है कि पति का प्राण लिए जा रहे या पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, जब जमीन ही नहीं दीजिएगा तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कैसे मिलेगा। महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तो तभी मिलेगा जब जमीन मिलेगी। तो ऐसे भूमिहीन परिवार जो चिन्हित करके और उनको जमीन ही नहीं दिलाई जाएगी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि उन्हें कैसे प्राप्त होगी। माननीय मंत्री ने कहा कि आपके कहने पर फिर से वो जांच कराएंगे, तो बात तो हो गई ना।
जांच कराएंगे जी। महोदय अंचलाधिकारी का जवाब नहीं है, ये तो जिलाधिकारी महोदय ने जवाब दिया है। माननीय मंत्री कह रहे हैं तो आपका जिलाधिकारी जी ठीक कर रहे हैं, जाँच कराएंगे ठीक। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।